आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, स्वागत है एक बार फिर आपका। राहुल गांधी को कल आपने लोकसभा में बोलते हुए देखा था महिला आरक्षण बिल के ऊपर, आज एक नए रंग में, नए अवतार में और बिल्कुल ही नई जगह पर राहुल गांधी दिखाई दिए। दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन, हसल बसल वाली जगह है बड़ी, वहां पर चहल पहल लगी रहती है और राहुल गांधी आज वहां पहुंचे थे कुलियों से मुलाकात करने के लिए, उनके बीच में जाने के लिए। ठीक है, बड़ी एक्साइटमेंट हुई वहां पर राहुल गांधी अचानक जब पहुंच गए और तमाम जो हमारे कुली भाई हैं उनके बीच में वो गए, उन्होंने भी उनका सम्मान किया, उनको भी बड़ा अच्छा लगा राहुल गांधी वहां पर गए। लेकिन राहुल गांधी ऐसे ही नहीं चले गए जैसे वो रोज आपको दिखाई देते हैं अपना नॉर्मल कपड़ों में। वहां वो गए तो उन्होंने कुलियों वाली जो ड्रेस है पूरा लाल रंग का कोट वो पहना हुआ था, बाजू भी उनकी जो है इसी तरीके से अंदाज में चढ़ी हुई थी और तो और बिल्ला भी यहाँ बाजू पर उनके लगा हुआ था। चलिए इतना भी ठीक था, 786 वाला बिल्ला था। अब यही नहीं मालूम पड़ रहा है बिल्ला नंबर कितना नंबर, ये बात आपने वैसे बड़ी शरारत में कही है। नहीं मैं इसलिए ना कि कुली जैसा है ना तो थोड़ा सा अमिताभ बच्चन, आप कहेंगे अमिताभ बच्चन थोड़ा उसी अंदाज में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए इतना भी ठीक था। इसके बाद राहुल गांधी ने एक सूटकेस उठाया और सर पर रख लिया, सूटकेस उठा करके वो चलने लगे। मतलब आज केवल कुलियों से बात करने के लिए नहीं वहां पहुंचे थे बल्कि कुली भाई जो काम करते हैं वो काम करके भी वो देखना चाहते थे। ये भी हम कहते हैं कि ये भी कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जब मैकेनिक से बात करने के लिए जाते हैं तो फिर वो हाथ भी आजमाते हैं अपना मोटरसाइकिल पर स्कूटर पर, मछुआरों से बात करें तो समंदर में कूद गए थे एक बार, ये भी हमने देखा था। खैर राहुल गांधी का स्टाइल, राहुल गांधी का तरीका है और उनकी पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी ऐसे जाकर के समाज के अलग अलग वर्गों से बात करेंगे, गरीब लोगों के बीच में जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनका साथ समर्थन वो हासिल करेंगे। जो वहां पर हुआ वो आपको हमने तस्वीरों में दिखा दिया। अब हमारे सहयोगी शोएब ने वहां मौजूद जो कुछ कुली भाई थे उनसे बातचीत की है, तो उनको कैसा लगा राहुल गांधी को अपने बीच में देख करके, वो बातचीत आप थोड़ी सी सुनिए, उसके बाद इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की उस पर हम बात करेंगे। आज सुबह तकरीबन 8:30 के दरमियान आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी पहुंचते हैं और जो कुली है यहां पर काम करने वाले उनसे मुलाकात करते हैं। और आनंद विहार हम पहुंचे हुए हैं, जिन लोगों से, जिन कुलियों से मुलाकात हुई राहुल गांधी की, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की बातचीत रही, क्या बातचीत कर रहे थे। हमने देखा कि वो सामान भी उठाकर चले, बिल्ला बांधा, ये सब चीज भी बांधा उन्होंने हमारा और सामान भी उठा के कुली का भी काम उन्होंने अपना दर्द महसूस किया, ये कुली का दर्द महसूस किया कि किस तरह से सामान उठा के कुली लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं। क्या भरोसा क्या दिलाया उन्होंने अगर वो आते हैं सरकार में या कुछ चीजें क्या करेंगे? उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपकी हम समस्या का समाधान करेंगे। कोई जानकारी कोई सूचना नहीं थी, अचानक आए यहाँ पे, चाय वगैरह पी रहे थे हम, लंच का टाइम था, सुबह सुबह गाड़ी चल जाए, हाँ चाय वगैरह पी रहे थे कि बाद में 10-5 मिनट पहले पता लगा राहुल गांधी आ रहे हैं इधर। हमने कोई ऐसा कोई बात नहीं, आके वो तो सिंपल आदमी की तरह हमारे साथ ठेले पे बैठ गए, उसके बाद नहीं वहाँ पे इसी ठेले पे बैठने के बाद उनसे बातचीत करी, उनको हमने हमारी दिल की सुनाई की। उन्होंने यही बोला था जो कि आगे सोचेंगे, वो कुछ बोल के नहीं गए, ऐसी कोई बात चले गए। हाँ। तो आप लोगों को अचानक से पहले कोई जानकारी किसी से नहीं थी, अचानक से वो आए? हाँ वो अचानक से ही आए थे। देखिए आनंद विहार का रेलवे स्टेशन जहाँ इंतजार कर रहे लोग किसी ग्राहक का, कस्टमर का, कि वो आए और ये सामान लाद कर उसको स्टेशन तक पहुंचाए। तो आपने देखा वहां मौजूद कुलियों ने खुद ही बताया कि राहुल गांधी अचानक आए, हम तो चाय पी रहे थे, फिर राहुल गांधी आए हमारे बीच में बैठ गए वहीं पर और उसके बाद फिर उन्होंने वर्दी पहन ली, बिल्ला लगा लिया, फिर सामान उठाकर वो चलने लगे। तो कुली लोगों को अच्छा लगा, खैर वहां पर वो राहुल गांधी को उन्होंने देखा उनको क्या लगा, कभी सोचते होंगे कि राहुल गांधी जैसा नेता उनके बीच में आएगा। तो अभी आप कह रहे थे कि बिल्ले का नंबर क्या है, मतलब सीधे आपको लग रहा है राहुल गांधी ने जो किया पॉलिटिक्स के लिए किया? नहीं, पॉलिटिक्स के लिए करने में कोई बुराई नहीं, नेता हैं तो राजनीति करनी ही चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। हम नेताओं को कहीं जाते हुए देखते हैं और वहां के वो स्थानीय परिधान पहनते हैं, लोक संस्कृति से जुड़ते हैं, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन जब आप अचानक ऐसे पहुंचते हैं और कुली की ड्रेस पहन लेना चाहते हैं तो क्या इससे कुलियों के जीवन में जरा सा भी रंच मात्र भी कोई परिवर्तन होने वाला है? और मैं सोच रहा था कि ये लोग जब बोलेंगे तो मैं उसको ध्यान से सुनूंगा, कोई एक बात तो मुझे काम की दिखेगी। उसमें एक कुली ने कहा कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस आए बैठे और चले गए। सवाल ये है कि जब देश के विपक्ष का नेता है और ऐसी जगहों पर जाता है तो वो कोई बाइक ठीक कर देगा,
वो कोई थोड़ी दूर एक बक्सा उठाकर चल देगा। मैंने उस पर टिप्पणी भी की और मैं यही कहता हूँ कि राहुल गांधी बेवजह वाला बोझ सर पर लाद लेते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रॉली वाली बैग थी, लेकिन ठीक है कि उसमें पहिए लगे हुए सर पर उठाने की, तो अब वो उठा दिया। और वो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी की जो जिसको हम कहते हैं कि फोटो अपॉर्चुनिटी वाली जो कोशिश है, इसमें कोई बुराई नहीं। उसके साथ जो प्रोग्राम होते हैं, एक अपोजिशन लीडर का जो एजेंडा होता है, वो कभी सुनाई दिया क्या? हम ये तो सुन लेते हैं कि हर बात जोड़ देंगे कि अडानी अंबानी, हर बात को जोड़ देंगे कि सब उद्योगपतियों का है, लेकिन जिनके बीच में है उनकी समस्या को लेकर कोई ऐसा बड़ा ऐलान क्या सोचते हैं राहुल गांधी, क्या बात उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कर लेंगे? कुलियों के लिए क्या स्कीम वो सोच करके ले जाएंगे? मैकेनिक के लिए क्या स्कीम ले जाएंगे? मजदूरों के लिए क्या स्कीम ले जाएंगे? ठीक बात है, ये वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ गए। इस देश में ट्रक ड्राइवर्स को जितने तरह की समस्याएं होती हैं, उनमें से क्या किसी एक समस्या पर कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा प्रदर्शन किया? इस देश में बाइक मैकेनिक की बात कर रहे हैं तो बाइक मैकेनिक का मसला नहीं, हर तरह के मैकेनिक का उनको ऑर्गेनाइज सिस्टम में ले आया जाए, उनकी स्थिति कुछ बेहतर हो, उनकी काम करने की कंडीशन सुधरे, कोई बात की। कुली का काम अगर है और उनको इतनी देर बात किए तो दो बात तो बताते कि उनको कम पैसे मिल रहे हैं, पैसे ज्यादा मिल सकते हैं, उनके काम करने की स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, जो वहां दलाल होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, जो बिल्ला लगता है उस बिल्ले के लिए जितनी मारामारी होती है वो शायद पता नहीं उन्होंने पूछा कि नहीं। कुली का भी बिल्ला मिलने के लिए आपको कितनी कितनी तरह के रेलवे से लेकर और जितने कमीशन एजेंट होते हैं उनके कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये एक सामान्य बात मैं कर रहा हूं। लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है, श्रमिक है, उसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी योजना लेकर आ रही है? फोटो ऑप में भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे थोड़ा आगे तो बढ़ो। बिल्कुल, फोटो ऑप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेता ये करना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है राहुल गांधी की? प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है कि पॉलिटिकल लीडर जो है कनेक्ट करें लोगों से, जनता के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जगह जाएं, वो मछुआरों से मिलें, कुली से मिलें, मैकेनिक से मिले। लेकिन वही बात है कि वहां जाकर राहुल गांधी को समझना तो चाहिए था कि कुली की जो कम्युनिटी है उसकी क्या परेशानी है, उसमें क्या बदलाव आया है। अब मैं जैसे जिक्र करता हूं आपको, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि कुली के बैच को लेकर, मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम हो गया आजकल कुली का बैच हासिल करना भी। लेकिन जो सूटकेस वो लेकर सिर पर गए, जो गाना ना एक सारी दुनिया के बोझ हम उठाते, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो सूटकेस लेकर गए उसमें व्हील लगे हुए हैं, वो व्हील वाले सूटकेस ने कुलियों के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी है। क्योंकि आज आप फर्स्ट क्लास से उतरते हैं, सेकंड क्लास से उतरते हैं और अपना व्हील वाला लेकर कुली वो सामान चले जाते हैं, कुली वहां पर बैठा दिन भर देखता रहता है, वो भी एक बड़ी समस्या है, समझ रहे हैं? और तो क्या राहुल गांधी समस्या का समाधान है भाई? समस्या का समाधान आम आदमी के लिए, कुली का धंधा तो चौपट हो रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी उनसे बात करते कि क्या पर, अब आप इसको दूसरी तरफ देखिए, फिर कहेंगे कि आप बात कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया अभी, विश्वकर्मा योजना चालू की। विश्वकर्मा योजना क्या है? विश्वकर्मा योजना 18 तरह के कामगारों की समस्या का निदान है, जिसमें आप कर्ज दे रहे हैं, उनको स्किल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब आज राहुल गांधी नहीं कर सकते, उसका समाधान नहीं कर सकते, कम से कम प्रधानमंत्री के सामने जाकर तो कहते हैं कि भाई साहब ये करिए, लेकिन जब आप समझे ही नहीं है। जो ठीक बात है, आपने ट्रक ड्राइवर की बात की, ट्रक ड्राइवर्स का क्या स्थिति है कि वो 12-12 घंटे काम करते हैं? कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का जो वीडियो आया कनाडा में, कनाडा या अमेरिका, अमेरिका में, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद यहाँ ऐलान हो गया, नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री ने ऐलान कर दिया कि भाई अब इस फलां तारीख के बाद जो है सारे ट्रक जो है उनका जो केबिन होगा वो एसी होगा, इसका क्रेडिट बोला और कांग्रेस पार्टी ने। ठीक नहीं सौरभ जी, नितिन गडकरी बहुत पहले से ये कहते रहे हैं सिक्योरिटी और कंफर्ट, इसको लेकर जब से उन्होंने मंत्रालय संभाला उन्होंने कहा कि हम ये सारी चीजें करने जा रहे हैं, उसका एक हिस्सा था। तो ये तथ्य गलत है कि कोई राहुल गांधी के कहने के बाद ये कहा गया। सवाल ये कि भाई इससे कोई राहुल गांधी की राजनीति को कोई मदद मिल रही है क्या? राजनीति को कहीं कहीं कुछ फायदा होता है क्या? सौरभ भैया बड़ा दिलचस्प है कि कल आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया लाइट कैमरा एक्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाई गई थी और फाइल बनाया गया फाइल वाली, उसके अगले दिन ये दूसरी चीज की पार्लियामेंट में अभी अभी एक बार फिर से आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रेलवे स्टेशन के चाय की दुकान पे रहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री वो बन जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन से कनेक्शन राहुल गांधी ने भी उस जोड़ने की कोशिश की। और लेकिन एक चीज हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कोई दोहरा नहीं और बहुत ज्यादा संभावना इस बात की ही है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि राहुल गांधी ने किसी कुली से बातचीत की है, क्योंकि जो उनका जीवन स्तर है आप समझ सकते हैं कि कभी कुली से उनका पाला नहीं पड़ा होगा। जिस स्टेशन पे वो गए हैं वो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ती है, ज्यादातर ट्रेनें पूर्वोत्तर भारत वाली है, वहां पर अगर पार्टी के लिहाज से अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश बिहार
उड़ीसा, बंगाल, इन सारे हिस्सों में चले जाएं तो कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं। तो कोशिश राहुल गांधी की सिर्फ ये दिख रही है कि एक छवि बनाई जाए कि प्रो पुअर छवि है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, करना है खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि उनके सामने मुकाबले में नरेंद्र मोदी हैं जो कि उसी गरीबी से निकल कर आए हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी को भी गरीब दिखाया जाए, गरीबों का हमदर्द दिखाया जाए, ये कोशिश नजर आती है। ऐसे सारे गरीब तो नहीं दिखा सकते किसी, बिल्कुल सर। इसमें एक चीज में बस एक चीज ये है कि एक तो ये कि राहुल गांधी जब ऐसे जाते हैं उनकी टीम होती है सारी पीछे, और ये भी कि जो मोदी जी पर वो आरोप लगाते हैं ना कि कैमरा को कहता है कैमरा जीवी नाम शब्द इस्तेमाल कर देता है, वे फोटो खींचती है, फिर फोटो जो खींच रहा है उसकी भी फोटो खींचती है, तो वो आ जाती है, वो राहुल गांधी जी की टीम के साथ भी हो रहा है आजकल, वो खेत पे जाते हैं फोटो खींचती है, वो फोटो खींचने वाली फोटो आ जाती है, और इसके वीडियो कट कट के डलते हैं फिर यूट्यूब के ऊपर, थोड़े 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 वीडियो रिलीज होते हैं और वीडियो बड़ी देर से रिलीज होते हैं, लेकिन मैंने वो उनको अपने टाइमिंग की वो जब देख रहे हैं, जब काम ही पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से देखते हैं कि किस चीज का क्या फायदा हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सब जगह जाएं, उससे पॉलिटिक्स का भला हो कि ना हो, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का भला हो जाएगा, क्योंकि वो देश को समझने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो कुछ समझ पाएंगे। मैं एक छोटा सा इतर इससे बात कर रहा हूं पार्लियामेंट्री बिहेवियर को लेकर, जो कल फिर मुझे अजीब लगा। आपको ध्यान हो कि मणिपुर पर जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही थी और मणिपुर पर सरकार के जवाब की मांग कर रही थी, राहुल गांधी जी ने अपना बात कही और उसके तुरंत बाद वो हाउस से निकल गए और फिर प्रधानमंत्री का जवाब हुआ। कल जो है देश का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पास हो रहा था लोकसभा में, राहुल गांधी जी उस पर बोले हैं और उसको बोलने के तुरंत बाद वो हाउस से निकल गए हैं, जबकि उसके बाद होम मिनिस्टर का जवाब था। क्या एक विपक्ष के नेता को ये उम्मीद नहीं करता मैं कि वो सरकार से पूछे कि भाई आप क्या जवाब दे रहे हो, और इस जवाब के मेरे बाद सप्लीमेंट्री सवाल ये हैं, या आपने जो बोल दिया बस वही सब कुछ फाइनल हो गया है। अमित शाह, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मेरा विपक्ष का नेता अमित शाह ने जो बोला है उस पर सवाल खड़ा करे कि भाई ये चीज, या तो मान लिया कि ठीक है उनसे सहमत है, या तो मैं ये मानू, नहीं तो सवाल खड़ा करना चाहिए ना अमित शाह जी से कि भाई ये बातें हैं, आपने क्यों इम्प्लीमेंटेशन पर काम किया, आपने ये जवाब दिए, इसमें मुझे ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई, और ये मुद्दा और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जी। राहुल गांधी अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, परसों बिल इंट्रोड्यूस हुआ वोट के चले गए, उसके बाद कल आपने देखा वो बोले उसके बाद वोट कर चले गए, ये पहले भी आपने कोई उदाहरण बताया, पहले भी ऐसा होता रहा। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो अब जो बीजेपी वाले कहते हैं भाई अहंकार है राहुल गांधी को, लगा मैंने बोल दिया मेरे बैठने की क्या जरूरत है, मैं बोल के चल दिया अपना, मैंने अपनी बात कह दी, आपकी आप लोग बात करते रहिए। दूसरी बात यह है कि आपके संबंध इस हद तक खराब हो चुके हैं सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ, खासकर जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ, कि आप उनके सामने बैठना गवारा नहीं कर पा रहे, उनके सामने उनको सुनना गवारा नहीं कर पा रहे। नहीं, ये निजी रिश्तों की बात ही नहीं है ना सौरभ जी, मुमकिन लगता है जरा ऐसा, क्योंकि बार बार हो रहा है। इसकी समाधान सौरभ इस लिहाज से नहीं होगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ऐसा भी हुआ है कि सत्र चलने के दरमियान वो विदेश चले गए हैं, तो जो पहला ऑप्शन आपने बताया ना कि इतना ज्यादा दूर तक वो सोचते नहीं, अपनी बात उन्होंने कही कहके चल दिया, उनको भी बखूबी मालूम है कि मैंने पॉलिटिक्स के तहत ये बात कही है, किसी सवाल को उठाने के तहत नहीं, कि ताकि गृहमंत्री का जवाब हम सुन सकें, जबकि गृहमंत्री की तरफ से भी बोला गया जब बीजेपी के सांसदों ने ये कहा कि बैठिए बैठिए बैठिए, तो उस समय गृहमंत्री ने फिर वही बात दोहराई जो राहुल गांधी ने कही कि डरो मत, लेकिन ये राहुल गांधी ने पहली बार नहीं किया। और सबसे ज्यादा हैरानी कांग्रेस पार्टी को नेताओं को हुई थी कि जब पहले आपको याद हुआ किसान आंदोलन चल रहा था, सत्र है, उस समय राहुल गांधी विदेश चले गए थे और छुट्टी लेके वैकेशन पे गए थे, किसी और कार्यक्रम के लिए नहीं गए थे ऐसा बताया जा रहा था, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि बार बार इस तरह का जाना कौन सी वजह रही होगी। हर्षवर्धन जी, नहीं मुझे लगता है कि जो आपने दोनों सवाल पूछे हैं वो दोनों दरअसल जुड़े हुए हैं। अहंकार तो राहुल गांधी में है, वो स्वाभाविक तौर पर है। अब उनके आसपास के बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं बहुत सरल हृदय के हैं, उदार मना है, लेकिन फिर ध्यान में आता है कि उनकी ही पार्टी के लोगों को उनसे मिलने में उनके मुख्यमंत्री उनके प्रदेश अध्यक्ष वो लंबा समय हो जाता है, मुलाकात नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां थोड़ा मसला अलग है, जो विजय जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे मुझे लगता है उसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक परंपरा में विपक्ष के नेता के पास ये गुंजाइश नहीं होती है, आपको तो संसद में हर वक्त उपस्थित रहना है, आपको तो ये कोशिश करनी है कि सिर्फ प्रधानमंत्री गृहमंत्री रक्षा मंत्री या दूसरे बड़े मंत्री नहीं, उस सरकार की तरफ से सदन में पक्ष रखने वाले किसी में कोई एक गुंजाइश मिल जाए जिसको लेकर विपक्ष चढ़ जाए। कमाल की बात यह कि जब अमित शाह कुछ कहते हैं और जब राहुल गांधी का हम भाषण सुनते हैं तो दोनों का फर्क समझिए। अमित शाह वो सारे जितने सवाल होते हैं उसका जवाब दे रहे होते हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे होते। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि कुछ मुद्दा उछाला और भाग गए। और जो सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में गंभीरता, एक मेच्योर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर दिखना, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। और शायद यही वजह है
कि आप कुली के पास बैठे, मैकेनिक के पास बैठे, ट्रक ड्राइवर के पास बैठे, खेत में जाएं, कहीं भी जाएं, वो उस तरह से इम्पैक्ट डालता हुआ नहीं दिखता है। और नरेंद्र मोदी की नीतियों में उतना वो लोग शामिल हैं कि आप एक हिस्से के साथ उसको खुश कर सकते हैं, लेकिन शायद बड़े हिस्से तक वो संदेश नहीं जाता। कर रहे थे आपने जो कहा कि भाई इसका इम्पैक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है सब कुछ करने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।